हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलती रहे। तो आइए, आज हम लोग देख लेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल, और वो टेम्पल कहाँ है, कौन से शासक ने बनवाया है, कुछ इम्पोर्टेंट बुद्धा की मूर्ति देख लेंगे और वो मूर्तियाँ कहाँ रखी हुई है, कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड बात करेंगे। तो आइए, बिना देरी किए हुए आज के अपने सेशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि आप देख ही रहे कि बृहदेश्वर मंदिर है, तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। और ये जो आज मैं क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन मैं आप लोग को दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, NTA नेट दे रहे हैं, या फिर DSSB दे रहे हैं, या फिर KBS दे रहे हैं, या फिर NVS दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप अगर फाइन आर्ट से रिलेटेड दे रहे हैं या फिर ड्राइंग टीचर के लिए दे रहे हैं, तो इसमें से आपको दो क्वेश्चंस ज़रूर आएगी। ये लिख लीजिए, और नहीं तो आप प्रूफ के तौर पे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं आया क्वेश्चंस, बट मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि इससे एक क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो वो टेम्पल देख रहे हैं हम, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? थंजावर में है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता रहे, थंजौर। सेकंड है हिंदेवाद, हिदिंबा देवी का मंदिर, तो हिदिंबा देवी का मंदिर जो है मनाली में है, मनाली। तीसरा है आदिनाथ मंदिर कहाँ है? तो आदिनाथ मंदिर आबू में है। अब कौन सा आबू? तो आदिनाथ मंदिर आपका माउंट आबू में है, और यह जो है आपका जैन टेम्पल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर आता है? जैन टेम्पल के अंतर्गत आता है आप लोग का आदिनाथ मंदिर। नेक्स्ट है सास बहु मंदिर, सास बहु मंदिर बहुत ही फेमस है, और यह जो है ग्वालियर में है। उसके बाद हम बात कर लेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल की, जो कि कौन से शासक ने बनवाया है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है खजुराहो के मंदिर, तो खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल शासक ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर बहुत ही फेमस है, जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, केसरी तथा गंग शासक, जिसे कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गंग शासक के द्वारा कौन सा टेम्पल बनवाया गया, तो आप लोग को राइट आंसर करना है कोणार्क का सूर्य टेम्पल। कैलाश मंदिर एलोरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैलाश मंदिर एलोरा जो है राष्ट्रकूट शासक का है, यानी कि राष्ट्रकूट शासक द्वारा कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में जो है वो बनवाया गया था। एक कैलाशनाथ टेम्पल और भी है, आप लोग को मालूम होगा कि वो साउथ में है, बट यहाँ पे राष्ट्रकूट शासक की बात हो रही है और कैलाश मंदिर जो एलोरा में है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम जो है पल्लव शासक के द्वारा बनाया गया है, जिसे कि हम लोग मामल्लपुरम के नाम से भी जानते हैं। महाबलीपुरम को, मतलब महाबलीपुरम जो है मामल्लपुरम के अंदर आता है, इसलिए इसको मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम दोनों ही अगर आ जाए क्वेश्चन में, तो पल्लव शासक के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति जो स्कल्पचर है वो कहाँ है? तो वो एलिफेंटा की गुफा में है। त्रिमूर्ति जो है एलिफेंटा की गुफा में है। वराह मूर्ति कहाँ है? तो उदयगिरी की गुफा में है। कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण कहाँ है? तो वो एलोरा की गुफा में है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि रावण सेकिंग दी माउंट कैलाशा, इंग्लिश में कहते हैं रावण सेकिंग दी माउंट कैलाशा, और हिंदी में कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण कहाँ है? तो एलोरा की गुफा में है। महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी कहाँ है? तो महिषासुर मर्दिनी ऐहोल की है। और ये जो अभी मैं सी नंबर वाली बात करी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे हमेशा ही NTA नेट KBS में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड देखा गया, ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चंस भी, ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद कर लें। तो सबसे पहले है कि तांबे की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति कहाँ है? तो तांबे की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति जो है बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड में है। तो इससे दो चीज़ निकल के आ रही है। सबसे पहले तो बुद्धा की बात हो रही है कि बुद्धा की मूर्ति है, ठीक है। बुद्धा की मूर्ति कौन सी है? स्टैंडिंग फिगर में है। और स्टैंडिंग फिगर की जो मूर्ति है उसका मीडियम क्या है? तो उसका मीडियम जो है
तांबा है, और कौन से संग्रहालय में संरक्षित है, तो बर्मिंघम म्यूजियम में है। और बर्मिंघम म्यूजियम कहाँ है, तो बर्मिंघम म्यूजियम आप लोग का इंग्लैंड में। तो चार पांच क्वेश्चंस इससे एक छोटे से सवाल से निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, यानी कि बुद्ध की जो स्टैंडिंग पिक्चर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्टैंडिंग पिक्चर जो है, स्टैंडिंग इमेज जो है, वो कहाँ है, मथुरा संग्रहालय। और मथुरा संग्रहालय कहाँ है, भारत में है, इंडिया में है। बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा, यानी कि यहाँ पे हम सिटिंग इमेज की बात कर रहे हैं, बुद्ध की सिटिंग हुई, यानी कि द इमेज ऑफ सिटिंग बुद्धा, वो कहाँ है, सारनाथ संग्रहालय में। और सारनाथ संग्रहालय कहाँ है, भारत में है। नेक्स्ट है खड़े हुए बुद्ध की कांस्य प्रतिमा, खड़े हुए, इस बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक खड़े हुए बुद्ध की कांस्य प्रतिमा है और एक तांबे की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति, दोनों अलग है। तांबा जब होगा तो बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड होगा, और खड़ी हुई बुद्ध की जो प्रतिमा कांस्य में अगर पूछे तो नेशनल गैलरी अंकिकस संग्रहालय कैंसास में है, कैंसास में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग का, भित्तरगांव मंदिर, भित्तरगांव मंदिर कहाँ है, तो भित्तरगांव मंदिर कानपुर में है, भित्तरगांव मंदिर कानपुर में है। रंगानाथ मंदिर कहाँ है, तो रंगानाथ मंदिर त्रिचुलापल्ली में है। गोविंद देव मंदिर कहाँ है, तो गोविंद देव मंदिर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वृंदावन में है, गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ कहाँ है, तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो सभी जानते हैं कि मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। गोमतेश्वर बाहुबली, इससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, गोमतेश्वर बाहुबली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब भी इंपॉर्टेंट है, बट ये सब क्यों नहीं पूरी, क्योंकि सब कॉमन है। कीर्ति स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़गढ़, ये सब हम लोग बचपन में पढ़े हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, सभी को मालूम है, बट बहुत लोगों को ये वाली जो गोमतेश्वर बाहुबली है, ये बहुत लोग नहीं सुने हुए रहते हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट बताई हूँ, बाकी सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो गोमतेश्वर बाहुबली जो है श्रवण बेलगोला में है, और श्रवण बेलगोला कहाँ है, मैसूर में। आप लोगों को ज़्यादातर ऑप्शन गोमतेश्वर बाहुबली का श्रवण बेलगोला ही देगा, मैसूर नहीं देते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चंस को उलट पुलट के बनाए तो मैसूर दे दे, बट दो तीन बार मैं क्वेश्चन से रिपीटेड देखी हूँ, चाहे वो KBS हो या फिर NBS हो या फिर वो खास करके UGC NTA नेट हो, तो उसमें हमेशा ही यही पूछा गया है कि श्रवण बेलगोला की एक मूर्ति का नाम बताने, ये आप लोग को एग्जांपल दे दिया होगा, या फिर आप लोग को दे दिया होगा कि गोमतेश्वर बाहुबली टेम्पल कहाँ है और श्रवण बेलगोला ऑप्शंस में दे दिया होगा इस तरह से। और ये देखिए, यहाँ गोमतेश्वर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा है, दैट मीन्स कि जो श्रवण बेलगोला की हम बात कर रहे थे, ये जो हम बात अभी कर रहे थे कि गोमतेश्वर बाहुबली, तो ये गोमतेश्वर बाहुबली जो है कितने फीट की है, 70 फीट की है, 70 फीट 3 इंच की ऊंची प्रतिमा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर बताएं। कल मैं आप लोगों के साथ फिर से वीडियो लेके आऊँगी, और कल मैं बात करूँगी कि जामी मस्जिद कहाँ है, शेर शाह का सूरी का मकबरा किसने बनाया, ताजमहल कहाँ है, ताजमहल की डेट क्या है, ये सबसे क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो आज दोस्तों आप लोग के साथ अलविदा ले आना चाहूँगी, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, और हैव ए नाइस डे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, गो थ्रू फाइन आर्ट को, घंटी को दबा दें ताकि वीडियो आप लोग को मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।